पटौदी साहब की रिक्शा। सही कह रही है। पुराने टाइम में ये ऐसा दिखता था, फिर इसको और रेनोवेट किया और बहुत कुछ कलाकारी करी, चेंजेस करे। देखो कैसे दिखता था ना पहले। सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे तड़कते भड़कते एक और अनदर ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं सैफ अली खान के 5,000 करोड़ के होटल में। हम तो काफी बार जा चुके हैं पहले, तो इस बार हम आप लोगों को भी वहां पे घुमाने लेके जाएंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं, उससे पहले देखते हैं प्रीशा की पूरी रेड तैयारी हो गई कि नहीं हो गई, क्या क्या सामान ले लिया। तो जाने से पहले प्रीशा की पूरी तैयारी करनी पड़ती है हमें, उसका दूध, उसके डायपर्स, उसके टॉयज, उसका पानी, उसकी सारी बॉटल, उसका सारा आइटम्स लेके रखना पड़ता है, ताकि ये मोहतरमा हमें परेशान ना करे और खुद भी परेशान ना होए। तो चले बेटा परिशु, चलो घूम करने, घूमो चलो। तो हम आज जा रहे हैं सैफ अली खान के होटल है नूरे सबा, न्यू मार्केट भोपाल। 5,000 करोड़ का होटल है गाइस। 5,000 करोड़। रिशु तुम भी जाओगी हाँ? सैफ अली खान से मिलोगी क्या वहाँ पे हाँ? तुम्हारे वेलकम में बैठे होंगे वो। रिशु जी आ रही हैं हमारे होटल, आओ भगत करें अच्छे से। तो गाइस इस होटल की भी एक हिस्ट्री है कि ये यहाँ पे कैसे था, कैसे बना, तो बताएं आपको। तो भोपाल नवाबों का शहर है और सैफ अली खान के जो फादर थे नवाब पटौदी, वो यहाँ के बहुत बड़े नवाब थे। और इनकी जो मदर है शर्मिला टैगोर नाम है ना, हाँ शर्मिला टैगोर, वो भी यहाँ पे काफ़ी बार आती हैं, रहती हैं, और लगभग मान के चलो आधे से ज़्यादा कई यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं उनकी, शर्मिला टैगोर की और सैफ अली खान की, कई अरबों में फैली हुई प्रॉपर्टी है। पूरा जितना भी ओल्ड भोपाल है सारा का सारा सब उन्हीं का बसाया हुआ है, या उनके आसपास की मेन जितनी भी प्रॉपर्टी है सब उन्हीं की है। तो अभी हम ऑलमोस्ट लोकेशन के पास पहुंचने वाले हैं, उससे पहले रास्ते में लेक व्यू दिखेगा आपको, तो लेक व्यू भी एक बार आपको दिखाएंगे कैसा अच्छा नज़ारा है लेक व्यू का आज। ये आ गया गाइस लेक व्यू, देख लो नजारे, देख लो भोपाल के। ये है यहाँ का राजा भोज सेतु पुल, बुलडोजर सब जगह चालू है, योगी जी की बुलडोजर धमाल मचाया हुआ है हर जगह बुलडोजर। अरे छोटी बुलडोजर का क्या करूं इसका, जो हम लोग साथ में लेके आए हैं। ये इसका तो योगी जी और मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते छोटी बुलडोजर का। देखो लेक व्यू, बाहर के नजारे देखो गाइस, बड़ा ही खूबसूरत आलीशान। बोटिंग होती है यहाँ पे, किसी दिन हम स्पेशल इसके लिए एक व्लॉग बनाएंगे गाइस, बोटिंग होती है, बोट करने आएंगे यहाँ पे। अभी तो पानी का लेवल भी बहुत शानदार आया हुआ है, और अभी आगे आने वाले हैं राजा भोज। इनके बारे में आपने सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ। ये रहे यहाँ के राजा भोज, जिसने जिसके नाम पे भोपाल नाम रखा हुआ है। पहले भोपाल का नाम अगर आपको बताएं तो भोजपाल था, अब कुछ टाइम पहले इसको बदल के फिर भोपाल किया गया। यार ऊपर तक आया हुआ पानी देख, हाँ इतना हमें दिखता ही नहीं था। अच्छा है देख ना, आएंगे है ना जल्दी आएंगे। ये पूरा जितने भी कई किलोमीटर तक गई हुई है, ये जो लेक है भोपाल की सबसे बड़ी लेक है, कई किलोमीटर करीब 12-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक है ये लेक। तो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, अब चढ़ाई करेंगे हम, चढ़ाई इसलिए करेंगे क्योंकि वो बहुत हाई पे बना हुआ, हाइट पे काफी पहाड़ पे बना हुआ है,
तो आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ता है उसमें। ये आ गया नूर ए सभा, नूर ए सभा पैलेस। ये पहाड़ काट काट के बना दिया लग रहा है। यहीं से चलते ना ऊपर पहले। क्यों पटौदी साहब की रिक्शा? सही कह रही है। पापा बच्चा खिलाओ। पापा तुम मुझे खिलाओगे नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रुकूंगी? हाँ पापा, पापा तो गाइस ये जो होटल है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही आलीशान है। हो सकता है सारे पार्ट्स हम दिखा भी ना पाए, लेकिन जितना पॉसिबल होगा इतनी जगह आपको लेके जाएंगे। इस होटल में स्विमिंग पूल है, 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे पॉसिबल होगा वहाँ पे ले चल आपको चलते हैं। लेकिन हमारी मैडम को लगी है पहले भूख, तो सोच रहे पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद एनर्जी आ जाएगी तो फिर हम चलेंगे आगे। आपको पूरा रेस्टोरेंट घुमा के लेके आएंगे, रेस्टोरेंट भी घुमाएंगे, होटल भी घुमाएंगे और इसकी खूबसूरती भी दिखाएंगे। फिर ब्लॉगिंग नहीं जा सकते हैं, ये अभी कुछ है? बंद होगा। ये एक रेस्टोरेंट है मार्बल आर्क, तो चलिए अभी फिलहाल मार्बल आर्क में चल के देखते हैं। इसी में जाते हैं क्या अपन? हमने तो दो तीन में गए हैं, इसमें गए हैं, एक और में गए हैं। तो गाइस मैडम का मूड चेंज हो गया, बोल रही है दूसरे वाले रेस्टोरेंट में चलना है जिस पे हर बार जाते हैं।
तो घूमते घूमते जाते जाते एक बार और खूबसूरती का नज़ारा ले लीजिए। ये शायद इनका महल होगा, पहले उसका इन्होंने एक डमी बना रखा है। ये बंदर तो चिपकी हुई है तेरे से, चिपकी हुई रहेगी। उस पर इसी पे तो जाना है ना। इधर इधर से चले जाएंगे। ये शॉप है इधर, किसी को शॉप लेनी हो तो। शादी की डेकोरेशन हो रहा है किसी का। हाँ तो ये दूसरा रेस्टोरेंट है, देखते हैं यहाँ पे अगर शादी नहीं होगी तो हमें जाना भी अलाउड होगा। शादी की डेकोरेशन चल रही है। चलो मैडम खोलो दरवाज़ा। ये दरवाज़ा वैसा तो नहीं लग रहा जिसमें वो मंजुली का जायका है, जायका रेस्टोरेंट है। कहाँ पे बैठे? इधर बैठते हैं, इधर ये इधर। रिश्वत यहाँ पर हो रही है, वो उनको ना मास्क में देख के होटल स्टाफ को, तो उनको देख के रो रही है। पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये ब्लैक कपड़े में और मास्क में, डर के देख के कौन आ गए। ओरे नहीं नहीं बेटू बेटू देखो। तो गाइस अभी हम लोग खाने के टेबल पे बैठे हैं। ये है मेन्यू खोलने के लिए, मेन्यू अलग से भी मिल जाएगा, यहाँ पे स्कैन करके आप डायरेक्ट मेन्यू खोल सकते हैं। तो अभी खाना तो ऑर्डर कर दिया मैडम, और प्रिशु ने भी हमारा जीना हराम कर दिया है फिलहाल। ये तो इसका तो प्लानिंग फ्लोटिंग करके आती है, घर से पूरी प्लानिंग के साथ निकलती है। कहाँ पे परेशान करना है, कैसे परेशान करना है मुझे इन लोगों को, और कहाँ पे करना है, लेना है कैसे लेना, कहाँ पे इनकी बेइज्जती करानी है। तो गाइस खाना हमारा लग चुका है, अभी प्रीशु का खाना भी लग गया है। और प्रीशा को हमने सेटल किया है इसके कार्टून लगा के, नहीं तो ये खुद भी नहीं खाती और हमें भी नहीं खाने देती। अरे इसको तो बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, सबसे पहले टूट पड़ी है तो खाने पे। कितना खाएगी है? खाई जा रही है। एक घंटा हो गया अभी तक इसका खाना खत्म नहीं हुआ। अभी तो शुरू हुआ अभी तो मैडम का। हम भी खा ले, चलो ये लो। खाने के बाद लेंगे हम थोड़ा सा लेमन सोडा, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे आराम करेंगे, और फिर चलेंगे अपना न्यू मार्केट शॉपिंग पे। तो यार इतना खा लिया है प्रेरणा ने इतना खा लिया है कि इसको नींद आ रही है। नींद का टाइम भी हो रहा है, 3 बज रहा है। और तुमको तो नींद आती नहीं है, हाँ तुम तो मडोना। और जिसको नींद आनी चाहिए उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तो गाइस अभी जल्द से जल्द अभी हम आपको बाकी का पोर्शन और दिखाने के लिए लेके जाएंगे कि इस होटल में और क्या क्या है चीज़ें आपको और एक्सप्लोर करेंगे। आफ्टर फूड सर्विस में ही बनारस पान दिया था। बनारसी पान, भोपाल बनारसी पान, खाई के पान बनारस वाला।
चलो जल्दी जल्दी खाओ और चलते हैं फिर यहाँ से। तो प्रेरणा मैडम सौंफ के मजे लेती हुई, थोड़ा बहुत पैक तो नहीं करना घर के लिए, सौंफ पैक करा ले। अरे तो सच में, अरे सौंफ चोर सौंफ चोर सौंफ चोर। तेरी शादी करा दूं आज? गुड़िया की, तेरी नहीं, तेरे से कोई नहीं करेगा, गुड़िया की शादी करा देते, लड़का तो मिल जाएगा इसके लिए बढ़िया सा, नवाब का लड़का ले ले। अरे वो ले ले उसका छोटा लड़का तैमूर, तैमूर ले ले तो तैमूर। ये रहा नवाब साहब जब शिकार पे निकलते थे, ये देखो वो खड़े नवाब साहब बंदूक लेके। और ये खड़ी शर्मिला टैगोर। तुम दोनों से आज बर्तन धुलवाए जाएंगे, तुमने बिल पे नहीं किया ना प्रिशु बेटा, उसको दे देंगे। बर्तन धोने के लिए तैयार हो जाओ, तुम तुमने बिल पे नहीं करके आई हो ना वहाँ पे। मौसम हुआ ओसम, क्या नजारा है। तुम तो पिटोगी इसको, यहीं पे देख के जाओ थोड़ी देर, इसको यहीं एक उसमें लगा दें हम। ये करोगी तुम पीछे 100 पीस में लगा देते हैं इसको। नहीं ये करोगी, छोटा पोछा ले लो और शुरू हो जाओ अंकल। शायद ऋषि तब की है ना जब ये पुराना हुआ करता था, है ना? पुराने टाइम में ये ऐसा दिखता था, फिर इसको और रेनोवेट किया और बहुत कुछ चेंजेस किए, कलाकारी करी, चेंजेस करे। देखो कैसे दिखता था ना पहले, ये तब होगा जब उन्होंने बनाया था स्टार्टिंग में ना। और यहाँ से लेक व्यू का नजारा, लेक व्यू तो नहीं है कुछ और, ये देखो कैसा दिखता था ना। चेंज हो गया यार, है ना, पूरा ही चेंज कर दिया। ऋषि बाहर नहीं जा सकते शायद। अच्छा उधर चाइनीज वाले इसमें इधर अलाउड नहीं होगा, इधर कुछ इन लोगों का वो बुफे वगैरह चलता है शायद। हाँ नीचे चलते हैं। और ये आ गया है नूरे सभा का पूल, पूल एरिया। ये देखो ऐसे दिखता है, कितना प्यारा दिखता है, रात को तो क्या ही नज़ारा होता है ना। रात को ज़्यादा सुंदर लगता है ये, नहीं सुंदर तो, हाँ लाइटिंग सुंदर तो है ही, वो दिन में भी अच्छा लगता है लेकिन रात को तो चार चांद लग जाते हैं इस होटल पे। ये बैक साइड से है शायद, फ्रंट से, फ्रंट एरिया है ना इसका, फ्रंट नहीं है लगभग, बैक साइड है, बैक साइड है ये। और ये यहाँ से आते हैं, ये रास्ता है सामने देखो, ये पूरा लेक व्यू यहाँ से दिखेगा। ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है यहाँ पे, यहाँ पे टोटल चार पांच रेस्टोरेंट है। और ये सामने जो पूल के जस्ट आगे ये जो है ये जिम है, जिम एरिया है, ऊपर पूरा रहने वाले लोगों के लिए होटल है, हालांकि यहाँ रूम्स अवेलेबल है वहाँ पे, ऊपर वो बालकनी है। और सबसे बढ़िया तो मुझे पूल लगा यार, कभी स्टे करेंगे यहाँ पे, है ना। फर्स्ट टाइम आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे हमने यहाँ पे, यहीं पे फोटो खिंचाई थी, मिंग डायनेस्टी। कितना बड़ा तो गार्डन एरिया है यहाँ पे,
केले के पेड़ से केले तोड़ लें, वो रहा केले का पेड़, वो रहा सामने, केले कहाँ होंगे इसके भी? तो तू क्या सच में मान ले तूने कि केले तोड़ेंगे? नहीं, केले के पेड़ पर केले नहीं है तो क्या है फिर? सेब लटक रहा है, तोड़ना भूखो लगी। ये रहा गाइस हमारा होटल, अब जाने का टाइम आ गया है। अब हम लोग सोच रहे हैं मैडम को लेनी है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी भी ले लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे। तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कहाँ गए, कैसे गए, क्या गए।